Okay, so class time, today we'll start the new chapter, and that is linear equation into variables. अब देखो, इस हेडिंग को पहले समझते हैं, ठीक है। हालांकि आपने 8th क्लास में जो पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। आपने 8th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, मींस लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमने 9th में भी इस चीज को देखा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 था। तो जैसे अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल जो लिखा जाता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, जनरली लीनियर पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में अगर हम बात करें, वन वेरिएबल में, तो लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी, बस इतना, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए और बी कांस्टेंट होते हैं, एक्स वेरिएबल होता है, ठीक है, इतना पता है, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में इसको डिस्कस भी किया है। यस एवरीवन, ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्लियर, और इसका डिग्री कितना होता है, 1, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो पूरे में होता है वो सबसे बड़ा पावर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जाए कि वो किसी नंबर से या किसी वैल्यू से इक्वेट हो, जैसे मैंने लिखा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब ये क्या बन गई, ये बन गई लीनियर इक्वेशन, क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। और यहां पे कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, दैट इज एक्स ओनली 1, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यही पढ़ा था 8th क्लास में, याद आ रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यस इन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि जब लीनियर इक्वेशन हो लेकिन हम एक वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल यूज करें। देखो यहां पे क्या है, एक वेरिएबल एक्स हो गया और दूसरा वेरिएबल वाई हो गया। तो जब हम लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि यहां पे भी एक्स की भी पावर क्या है, 1 है, y की भी पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, तो फिर ये हमारी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x के ऊपर भी पावर 1 है, b के ऊपर भी पावर 1, ठीक है, ओके। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने लिखा 2x प्लस 10n is equal to 0, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, यानी वो लीनियर इक्वेशन जिसमें हम दो वेरिएबल्स को यूज करते हैं और जो जनरली ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी में शुरू में आपको 8th क्लास का ही जो है रिकॉल कराया गया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी इक्वेशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्योंकि कॉन्स्टेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अब यहाँ पे इक्वल 0 बार बार कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, दैट इज 5x माइनस 3b इज इक्वल टू 3, ये भी है, अब देखो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, मतलब ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे 5x
इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। 5x लिखा माइनस 0b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब 0b लिख दिया मैंने यहां पे, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया ना, तो यहां पे वेरिएबल क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। तो इसीलिए ए और बी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है, सॉरी जैसे आप कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 है, तो ये जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? तो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, दे आर नॉट 0, ए एंड बी मस्ट नॉट बी 0, ठीक है। सी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, ओके okay? लेकिन ए और बी 0 नहीं हो सकते, यहाँ पे एकदम साफ साफ इस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में लीनियर इक्वेशन में ए बी एंड सी रियल नंबर्स होने चाहिए, ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, सी हो सकता है। जैसे हमने इक्वेशन लिखा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे x और y वाला टर्म है, लेकिन जो c वाला है, देखो c वाला जो है वो 0 है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं 0x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे c 0 है, लेकिन यहाँ पे a को भी मैंने 0 कर दिया, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसका मतलब अगर ए या बी दोनों में से कोई 0 हो जाए, तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। अगर दोनों 0 हो गए तब तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, शुरू के जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स हैं इजी है, तो इनको बहुत आसानी से हम समझेंगे। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं राइट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसको आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखिए। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो पहले क्या दिया हुआ है, 2x plus 3y is equal to 4.37, ठीक है। 2x plus 3y is equal to 4.37। अब ये कह रहा है इस इक्वेशन को आप ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखिए। तो देखो यहां पे इस इक्वेशन को देखो, तो 2x पहले से ही है, ax वाला जो टर्म है, 3y यानी y वाला, by वाला टर्म पहले से, यानी y मतलब वेरिएबल, ये नहीं है कि इसमें हमें x और y ढूंढना है, mn भी हो सकता था, यहाँ पे x और y वेरिएबल सिर्फ आपको बता रहा है। आप ये मत सोचिए कि वहां पे x और y भी लिखा होना चाहिए। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5m plus 3n is equal to 0, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल m और n है, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म लिखा जाता है, क्लियर। ये नहीं कि वहां पे x और y नहीं है तो फिर इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, वहां एक्स वाई नहीं था, वहां तो एम और एन था, ये नहीं देखना, ठीक है। हमें ए और बी यहाँ पे मतलब वेरिएबल वाला, तो यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म हो गया 2x plus by, तो 3y वाला हो गया, plus c हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, तो ये जो कॉन्स्टेंट है यहाँ अभी राइट हैंड साइड पे, तो हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 4.37 माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए मैंने इसको लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो ये आंसर हो गया। ये तो मैंने आपको रिलेट करने के लिए बताया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे एक इक्वेशन है, ये कह रहा है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y इज इक्वल टू, कमिंग टू द सेकेंड वन, ये कह रहा है कि 4 इज इक्वल टू, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, ठीक है।
तो अब देखो, अब इसको हमें करना होगा, तो फोर पहले से ही है यहाँ पे, तो अगर हम इसे इधर ट्रांसफर, आप कहेंगे सर इसको इधर भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फोर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो फोर माइनस में जाएगा जनरली, क्यों? क्योंकि जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, उसमें आमतौर से जनरली ए और बी, देखो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूं तो ये हो जाएगा माइनस फाइव एक्स, माइनस थ्री वाई इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री वाई, ठीक है, प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये भी 100% करेक्ट है, क्लियर। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को फॉर्म में हमने लिख दिया, जहां पे ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे ए निगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, सी भी पॉजिटिव है यहाँ पे, क्लियर। लेकिन जनरली जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहला वाला टर्म पॉजिटिव में लिखा जाए, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें, देखो अब मैं फोर को सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर, ठीक है। लेकिन हम जनरली ऐसे लिखते हैं कि जीरो वाला राइट हैंड साइड पे हो, तो हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे और ये जीरो राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ए वाला पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिख दिया, इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब यहाँ पे ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव हो गया, सी निगेटिव हो गया, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है थर्ड, 2x इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो 2x पहले ऐसे ही रखा, प्लस y को इधर ट्रांसफर किया, माइनस y हो गया, अब और कोई कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, c की जगह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमने देखो लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, यहाँ पे ए प्लस टू हो गया, बी माइनस वन हो गया, यहाँ पे माइनस वाई लिखा है तो इसका कांस्टेंट वन है, तो बी माइनस वन हो गया और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, जीरो। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन हो चैट बॉक्स में लिखो, सबका आना चाहिए आंसर, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन इस पे बढ़ने से पहले अब देखो यहां पे मैं आपको दे रहा हूं, ये पहला वाला, ये पहला वाला फर्स्ट, चलो मैं सर्कल कर दे रहा हूं, दिस वन, ये वाला मुझे करके व्हाट्सएप कीजिए, सिक्स वाला और एट्थ वाला, ये तीनों मुझे सॉल्व करके अभी व्हाट्सएप कीजिए, जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी पे बेस्ड है, यानी आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है तो मुझे व्हाट्सएप करें। क्वेश्चन एक मिनट, हाँ देयर इज फर्स्ट सिक्स एंड एट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिक्स एंड एट। Yes, I'm waiting. I'm waiting, 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 waiting.
शिवम आप अपना फॉर्म सबमिट करिए बेटा, सबके फॉर्म आ चुके हैं, मैं तो लिंक ऑफ हो जाएगी, फिर आप एब्सेंट मार्क हो जाओगे। अब आई डोंट नो आपके में ही क्यों प्रॉब्लम आती है, सबके फॉर्म्स आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ दिस वन सी, अब देखिए इस जगह पे ये है 5 = 2x, सब लोग देखें स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ पे क्या है 5, इसीलिए ट्रांसपोज करते वक्त बहुत ध्यान दीजिए, 5 = 2x है। अच्छा चलिए मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, 5 = 2x, ठीक है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2x है और यहाँ 5 है, y वाला टर्म नहीं है, तो अगर हम 5 को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये -5 हो जाएगा, क्योंकि 2x है। तो देखो अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ तो ये हो गया 2x - 5, या इसको ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 5 = 0, ठीक है। तो अब y वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0y - 5 = 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या गलती हुई है श्वेता, +5। तो आप जब ट्रांसपोज करें तो बहुत ध्यान से क्लियर कि जब आप लिखें इसको तो कौन सा टर्म किधर ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है, रफ में स्टेप बाय स्टेप करें, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो फेयर वाला पोर्शन यहाँ पे शो कर दो। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ श्वेता? ओके, बाकी लोगों ने अभी नहीं भेजा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है सी है, ये कह रहे कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन, उसको सेंड कर दीजिएगा मुझे क्योंकि इट्स गेटिंग मोर डिलेड। नाउ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी नीचे जो आपके सामने इक्वेशंस लिखे हैं इनको टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। यहां पे सिर्फ देखो नीचे वन वेरिएबल के फॉर्म में, वन वेरिएबल है तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। हमें इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। ओके आदित्य आपका आ गया है, मैं भी सोल्यूशन देखूंगा, ठीक है। हमें इनको क्या करना है, टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हाउ वी सॉल्व इट, जैसे यहां पे इक्वेशन दी हुई है x = 2, ठीक है, x = 2। अब इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है तो x वाला टर्म तो है ही, इसका कॉन्स्टेंट 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। y यहां पे नहीं है तो हमने y के साथ 0 लगा दिया, ठीक है। अब = 2 भी लिखिए, या फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए -2 = 0। तो ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आपने लिख दिया, ठीक है। हालांकि ये y वाला टर्म 0 है, क्लियर। इसी तरीके से हम ठीक है दूसरा लेते हैं, दैट इज y = 2, y = -5 लेते हैं, y = -5, ठीक है। तो अब y = -5 है तो ये हो गया y + 5 = 0। अब x वाला टर्म नहीं है तो 0 x के साथ लगा दिया, यानी 0 × x + y + 5 = 0। ये हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है 2x = -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x, y वाला टर्म नहीं है तो प्लस लगाया, y के साथ 0 मल्टीप्लाई किया, +3, क्योंकि -3 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 = 0, क्लियर। तो अब यहां पे वही चीज है,
कि देखिए जब आपका दोनों टर्म में से एक टर्म कोई जीरो है, ये देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो जो कह रहा था कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और a और b जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो अगर a और b जीरो हो गया, ठीक है, तो अब वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं होगा. ठीक है, लिखा जा सकता है लेकिन वो जो टर्म है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो. तो असल में ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट यहां पे आपको क्लियर और हो गया होगा कि ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, यानी कि वर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, और ये कह रहा है कि आप इस वर्ड जो फॉर्म है क्वेश्चन का, इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखिए. तो देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब हम सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th क्लास में जब हम सॉल्व करते थे, तो क्या होता था, लेट मी रीलोड. तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, जैसे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x क्या हो गया इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या आ गई -3/5. तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो वर्ड प्रॉब्लम में जो अननोन वैल्यू होती थी उसी को हम x मानते थे या कोई भी वेरिएबल मानते थे. ठीक है, तो इसी तरीके से जब यहाँ पे हम वर्ड इक्वेशन यानी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उससे जब हम इक्वेशन तैयार करते हैं, जो दो क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन में, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, टू वेरिएबल्स का मतलब हो गया टू अननोन वैल्यूज, टू अननोन वैल्यूज. तो जो क्वेश्चन में जो अननोन वैल्यूज होती हैं, तो अगर दो अननोन वैल्यूज, क्योंकि यहां पे क्या होती थी 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में वन अननोन वैल्यू हुआ करती थी, कैलकुलेट द एज, कैलकुलेट द एरिया, वन अननोन वैल्यू, या आइडेंटिफाई द नंबर, ठीक है, कैलकुलेट द टू डिजिट नंबर, यानी कि कोई एक वैल्यू हुआ करती थी. ठीक है, तो उसी को हम वेरिएबल मानते थे. लेकिन जब क्वेश्चन हो उसमें दो अननोन वैल्यूज हो, टू अननोन वैल्यूज, तो उसको हम क्या सपोज करते हैं, टू वेरिएबल सपोज करते हैं. क्लियर? तो जब हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में जो हमारी अननोन वैल्यू है जो हमें कैलकुलेट करना है, जैसे यहां पे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ठीक है, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है. तो ना आपको नोटबुक की कॉस्ट पता है ना आपको पेन की कॉस्ट पता है, यानी ये दोनों अननोन, यानी कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपको नहीं पता, कॉस्ट ऑफ पेन आपको नहीं पता. आगे क्या बोल रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप रिप्रेजेंट करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म. तो टू वेरिएबल्स मतलब टू अननोन वैल्यूज, तो यहां पे लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है. ठीक है, यानी पेन की कॉस्ट को जब डबल करेंगे, डबल मतलब ट्वाइस यानी मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये हमारा एक्स इज इक्वल टू टू वाई, तो ये हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स.
ठीक है, तो जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो दो अननोन वैल्यूज होंगी, यहां पे वन नोटबुक की जो कॉस्ट थी, वन नोटबुक की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, एक्स, और वन पेन की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, वाई। तो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से डबल थी, तो हमने लिख दिया इसको x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें ध्यान रखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते वक्त, कि जो क्वेश्चन में दो अननोन वैल्यूज हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, तो इसको समझने के लिए हमें बोर्ड पे वापस आना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अब हम 8th क्लास पे वापस जाते हैं। वहां पे क्या होता था, जैसे मैंने लिखा 5x plus 3 is equal to 0, तो जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई माइनस 3/5। तो ये जो हम लीनियर इक्वेशन की या कोई भी इक्वेशन है उसमें ये जो वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई माइनस 3/5, तो ये माइनस 3/5 जो होगा इस लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, कि माइनस 3/5 जब पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को जो है वो जस्टिफाई करेगा, फुलफिल करेगा। तो जब हम लीनियर इक्वेशन हो, जैसे इक्वेशन यहाँ पे लीनियर पढ़ रहे हैं, तो कोई इक्वेशन में जब हम वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है, जो वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है वही उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन क्या है, टू वेरिएबल है, क्लियर। तो जब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट, यानी वेरिएबल सिर्फ एक्स और वाई नहीं, मैंने आपसे कहा mn भी हो सकता है, st भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरल फॉर्म में हम x और y लेते हैं वेरिएबल को। तो जब हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ, यानी हियर x एंड y आर वेरिएबल्स and their values are the solutions of linear equation in two variables. इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन किसी को, यानी जो हम इक्वेशन में क्या नहीं दिख रहा बेटा, बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड विजिबल है सबको, ओके ठीक है। तो यहां पे ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू होती है, इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कहलाएगा सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको ध्यान से यहां देखो, ठीक है, अब यहां पे देखो, जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आई है माइनस 3/5, x की क्या वैल्यू आई है माइनस 3/5, ये बताओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x की वैल्यू आई है माइनस 3/5, तो ये माइनस 3/5 इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये बताओ माइनस 3/5 के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता है, यानी x की वैल्यू कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, एवरी वन इन द चैट बॉक्स,
ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ठीक है, सिर्फ कितने सोल्यूशन होंगे, देर विल बी ओनली वन सोल्यूशन. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या होगा, दैट देर विल बी ओनली वन सोल्यूशन. ठीक है, लेकिन जब हम सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, इसकी इसकी जब बात करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सरप्राइजिंगली हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट. ठीक है, कैसे, इस एग्जांपल समझते हैं क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, इसको समझो. जैसे मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, यानी कि सॉल्यूशन निकालना मतलब x और y की वैल्यू निकालना. ठीक है, तो ठीक है, अब देखो क्यों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दोनों जब सॉल्यूशन निकालते हैं क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. अब मैंने यहां पे x की वैल्यू 0 मानी फॉर एग्जांपल, तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो देखो y की वैल्यू 3 आ गई. y की वैल्यू कितनी आ गई, 3. x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई. x की वैल्यू मैं -1 पुट करता हूं, ठीक है, तो x की वैल्यू जैसे ही मैंने -1 पुट की, ठीक है, क्लियर, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2. x की वैल्यू 2 पुट करता हूं मैं, तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 13. तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करो, देखो y की वैल्यू भी चेंज कर रही है, तो आप चेंज करते जाओ, यू कैन चेंज इट बाय इनफाइनाइट टाइम्स. आप 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 रूट 2 कुछ भी रख सकते हो. देखो मैंने x की वैल्यू रूट 2 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह रूट 2 रखेंगे प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 रूट 2 प्लस 3, तो 5 रूट 2 प्लस 3 आ गई. समझ में, तो यहां से क्या समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. मींस यू कैन हैव द इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर दैट पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो यहां से क्या पता चला, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का तो वन सॉल्यूशन होगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के आपके क्या होंगे, दैट विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. ओके, ये कह रहा है कि फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहेगी, तो कह रहे दो सॉल्यूशंस निकालिए, ठीक है, एक्स और वाई के दो दो सॉल्यूशंस निकालिए फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस. जैसे ए यहां पे दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमारा सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको करेंगे. तो 4x plus 3y is equal to 12, ये आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और ये कह रहा है कि आप क्या निकालो, दो दो सॉल्यूशन निकालो. तो बेटर क्या है बेटा, आप पहले एक टेबल ड्रॉ करो, क्योंकि आगे हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं. ठीक है, दो दो वैल्यूज निकालनी है, हमने ऐसे बना ली, ऊपर x की वैल्यू लिख ली, नीचे y, प्रेजेंटेशन. ठीक है, अब जो भी आपको x या y में से सपोज करना है, जो भी आपको सपोज करना है, आप x को सपोज कर लो, यानी किसी एक की वैल्यू आपको कोई ना कोई सपोज, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, तो कुछ भी ले लो. मैंने x को ले लिया 0, तो x को जब 0 ले लिया, फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 जब ले लिया, तो देखो 4 इंटू 0, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स
3y is equal to 12. That means y is equal to 4. तो y की वैल्यू क्या आई? 4. अब मैंने x की वैल्यू को मान लो 1 ले लिया, तो अब सेकेंड सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहाँ पहले लिखेंगे कि x को क्या सपोज किया, उसके बाद इक्वेशन में जहां x है वहां 1 पुट करेंगे, बाकी 3y is equal to 12. That means 4y, 4 plus 3y is equal to 12. That means 3y is equal to 12 minus 4 कितना हो जाएगा? That will give you 8. That means y is equal to 8 by 3. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? That is 8 by 3. समझ में आया? बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. ये इसलिए प्रैक्टिस करना है क्योंकि हमें ग्राफ आगे ड्रॉ करना है, और ग्राफ के लिए हम पहले सॉल्यूशंस के लिए टेबल ड्रॉ करते हैं. दैट इज अ मस्ट थिंग, ठीक है? क्योंकि वहां पे सामने होता है कि क्या क्या वैल्यूज हैं, क्योंकि उस टेबल के मार्क्स होते हैं और आपके ग्राफ के मार्क्स होते हैं. दैट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इसी तरह एक और मैं करता हूँ, सॉल्यूशंस ही हमें निकालने, दो दो सॉल्यूशंस निकालने. तीन बोलेगा तो हम तीन कॉलम्स बना देंगे, चार बोलेगा तो हम चार कॉलम्स बना देंगे, ठीक है? तो अब इसमें तीन सॉल्यूशंस चलो निकालते हैं. 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. अब मैं कह रहा हूं कि तीन सॉल्यूशंस निकालने, तो हमने एक टेबल ड्रॉ की, ठीक है? ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू, और इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक x की वैल्यू हमने ली 0, तो x की वैल्यू 0 रखी, तो अब इक्वेशन लेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, 5y इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 5y इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स y is equal to 0. तो y की भी वैल्यू कितनी आ गई? 0. क्लियर? सेकंड, x की वैल्यू हमने पुट की 1. तो जब x की वैल्यू 1 पुट की है, तो अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की जगह 1 पुट किया प्लस 5y, उसी इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5y is equal to 2, 1 से 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो minus 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? minus 2 by 5. तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2 बाई 5. अब x की वैल्यू मैंने माइनस 1 ले ली, x की वैल्यू माइनस 1 ली, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ. थर्ड, x की वैल्यू माइनस 1 पुट की, तो क्या हो जाएगा? दैट यू विल गेट 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये आपका फेयर है बेटा, ये रफ नहीं है, ये फेयर पार्ट है, ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. That means 5y is equal to 2. That means y is equal to 2 by 5. So y की वैल्यू क्या आ गई? 2 by. क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है इसको? ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज पे आते हैं. 4.2 पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन. टू सॉल्यूशन मतलब ओनली टू सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो ये जो y is equal to 3x plus 5 है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है? अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है? कि राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्लियर? 3 और 4 हम कल सॉल्व करेंगे. अब आपको क्या करना है? अब आपको ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ये मुझे सॉल्व करके भेजना है, ठीक है? व्हाट्सएप करना है. यहाँ पे आपको क्या निकालना है? 4-4 सॉल्यूशंस निकालने हैं. क्लियर? सेकंड पार्ट को मैं हिंट कर रहा हूं, और उसी वो भी आपको मुझे व्हाट्सएप करना है. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? 4 सॉल्यूशंस निकालने. अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो दो वेरिएबल हो गया, एक पाई और एक वाई और एक्स, यानी तीन तीन वेरिएबल. देखो बेटा यहाँ एक्स के साथ जो पाई है ना, पाई कॉन्स्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट है. जैसे 1, 2, 3, 4, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 बाई 7 या 3.14. तो यहां पे जब मैंने x की वैल्यू 0 ली मांगी,
तो अब ये क्या हो जाएगा, मैं हिंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन। पाई की वैल्यू मैंने वन ली मान लो, तो पाई सॉरी एक्स की वैल्यू, तो पाई इंटू वन, एक्स की जगह हम वन लिख देंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन माइनस पाई, तो ये आ गया नाइन माइनस पाई, ये वाई की वैल्यू हो गया, दैट्स इट, इज दैट क्लियर। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे उसको सॉल्व करके, क्लियर, और जो लेक्चर हुआ है उसको आप रिवाइज करेंगे, और जो क्विज जाएगी उसको फिर अटेम्प्ट करेंगे, इज दैट क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अभी क्लास के बाद मुझे अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों आप चार चार सॉल्यूशंस सॉल्व करके नीट एंड क्लीन मुझे फोटो भेजिए, कोई कंफ्यूजन इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आई नीड एन आंसर, पूरे क्वेश्चंस बेटा यहां पे एक्सरसाइज 4.2 जो आपके सामने है उसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों पार्ट करके मुझे भेजिए, ठीक है, जो लेक्चर हुआ उसमें जो क्वेश्चंस है वो तो आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने लिए, लेकिन ये तीनों क्वेश्चंस मुझे करना है, बाकी तो क्विज में जाएगा आपके, ठीक है, तो जो क्विज जाएगा उसको अटेम्प्ट करना है, और ये तीन क्वेश्चंस मुझे करके व्हाट्सएप करना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।